तो ये मेरा अभी चल रहा है प्री वर्कआउट मील, एक फुल एग है और नौ एग वाइट एंड एप्पल। सो अभी तैयार होके निकलते हैं जिम के लिए। ठीक है, तो इसमें लेंगे हम BCA इंट्रा वर्कआउट के लिए। नहीं सो रेडी हो गया। और एक चीज़, मुझे प्रोटीन भी लेना है। ये हो गया हमारा प्रोटीन एंड ये पोस्ट वर्कआउट, ये BCAA इंट्रा वर्कआउट। और ये दो मील है, एक मेरे और एक रश्मि का। तो निकलते हैं अभी, अभी निकलते हैं। गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आज ब्लॉग में बनाने का कोई मतलब मूड नहीं था, बस ऐसे ही मन किया कि हाँ एक ब्लॉग आज बन जाए। कुछ वर्कआउट वीडियो, वर्कआउट वीडियो ऐसे भी नहीं डाल रहा। एंड ठीक है, आज करेंगे आज है चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। तो हालत देख रहे होंगे, ये सब ठीक ठीक करना है बस, और कुछ दिन की बात है। अब रह गया अब 10 दिन। सो आज थोड़ा मन किया कि वर्कआउट वीडियो डाले, तो आज है चेस्ट एंड ट्राइसेप। ट्राई करूँगा कुछ कुछ वीडियो डालने के लिए, एंड कुछ कुछ क्या इस पूरा वर्कआउट वीडियो ही डालेंगे। सो लेट्स गो, चलते हैं, सीधा मिलते हैं। यागी मैडम कभी कभी ये हमें लेने आते हैं, आज हम उन्हें लेने आ गए। जल्दी जल्दी बोलो कुछ बोलो। स्लिप खुल गया। बहुत दिन के बाद लोग मिल गए। बोलो कुछ कहा, क्या कहा?
चलो चलो निकालो आराम से। निकाल के देखो ये ठीक है, ये मेरा मेल है और इनका पोस्ट वर्कआउट कैसा लगा मिल टेस्ट है? वाओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वर्कआउट कैसा रहा? अच्छा। जोर से बोल लो। अच्छा बना। अच्छा अच्छा बना था। अच्छा हुआ था। अच्छा मिल कैसा था? मिल भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। थैंक यू। क्या कैमरा को देख के बोल लो। कैमरा को क्या देख के बोल लो? यहाँ पे देखो यहाँ पे ये स्क्रीन शॉट हो गया। वर्कआउट भी अच्छा था और मिल उससे भी ज़्यादा अच्छा था। और क्या कंपटीशन के बारे में कुछ बोल लो। कंपटीशन के बारे में कंपटीशन है अगले महीने। अगले महीने नहीं नहीं इस महीने है। आखिरी तारीख को है और 10 दिन है और 10 दिन बाकी है। सो फाइनली घर पहुंच के वर्कआउट हो गया, बस थोड़ा बहुत वीडियो बनाया एंड पोस्ट वर्कआउट मील भी ले लिया। एक प्रोटीन लिया था 2 स्कूप एंड 200 ग्राम चिकन एंड अभी जाएंगे घर, थोड़ा रेस्ट करेंगे देन फिर कार्डियो है 1 घंटा, बाहर जाएंगे कार्डियो करने थोड़ा सा रेस्ट करके। सो मिलते हैं कार्डियो में। कार्डियो टाइम हो गया। अभी ऐसा लग रहा है ना भाई यही लेट जाए और एक मील बाकी है मेरा, वो भी ना हो सो जाओ कल सुबह उठो कार्डियो करो। बट क्या करें, कार्डियो हमें करना पड़ेगा कैसे भी करके। तो चलते तैयार क्या ऐसे चल लेंगे डाल के। ओ चलते जाने का तो मन नहीं है बट क्या करें, हमें जैसे कि दिया गया है कि 2 घंटे कार्डियो कंपलसरी है तो सुबह के एम्प्टी स्टोमक में 1 घंटा हो जाता है एंड 1 5 नंबर मील के बाद, तो 5th मील के बाद मेरा एक कार्डियो रहता है 1 घंटे के बाद। तो 5वां नंबर मील में पोस्ट वर्कआउट में लिया था, अभी 1 घंटा हो गया, थोड़ा सा आके रेस्ट कर लिए देन अभी ही जाएंगे नीचे। नीचे क्या बाहर घुमाएंगे ऐसे, वैसे भी अपार्टमेंट के नीचे कार्डियो करते बोरिंग लगता है एंड फिलहाल अभी इसी में हुडी डालते हैं चलते हैं कार्डियो के लिए एंड होप सो ये मेरा पहला कंपटीशन, सॉरी दूसरा कंपटीशन है बॉडी बिल्डिंग का। तो होप सो कि अच्छा कंडीशन आ जाए, बहुत बड़ा शो है तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसमें कंपीट करूं बट मुझे लगा था कि हाँ 1-2 साल लगेगा फिर कंपीट करूंगा बट इस साल होगा तो पता नहीं था। बट फिलहाल कर तो रहे हैं बट ट्राई करेंगे आगे, बहुत आगे जाना है, बस ये तो शुरुआत है एंड आगे भी कंपटीशन है बहुत सारी। तो पावर लिफ्टिंग का भी है, बॉडी बिल्डिंग का, मैं पावर लिफ्टिंग का भी ब्लॉग नहीं बनाया बट हाँ अगली बार जरूर पक्का बनाऊंगा, इस बार पक्का आएगा वीडियो एंड अभी चलते हैं नीचे कार्डियो करने। छोटा सा काम है, ये सब भरा पड़ा है यहाँ पे
घर वालों को बोल रहा हूँ कि बस आ जाओ, थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी, ये सब अकेले करना पड़ रहा है। तो रेडी हो गए, अभी निकलते हैं। वैसे सीढ़ी में भी अच्छा कार्डियो होता है, बट वैसे बहुत अच्छा कार्डियो होता है यहाँ पे। 4 नंबर फ्लोर है तो हो सकता है अच्छा कार्डियो, बट नहीं, हम बाहर घूम के आएंगे थोड़ा। तो बेसिकली कार्डियो में इस अपार्टमेंट के चारों तरफ करता था, वैसे यहाँ से लेके यहाँ से पूरा घूम घाम के वहाँ से फिर यहाँ से निकलता था। बट अभी के लिए मैं बाहर जाता हूँ, मतलब रास्ते के ऊपर जाता हूँ कार्डियो करने, थोड़ा ऐसे गाड़ी वाड़ी वगैरह देख के। सो ये आ गए हम रास्ते के ऊपर पूरा। देखो हम जितना भी वर्कआउट कर सकते हैं, के घर पे यहाँ पे है मेरा लास्ट मील चिकन का, तो इसको भी बनाएंगे। ठीक है, ये 200 ग्राम 200 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इसको अभी बनाएंगे। ये गर्म हो रहा है खाली पैन, इसको डालेंगे। ठीक है, कुछ ऑयल नहीं कुछ नहीं, सिर्फ पानी में बनेगा। ठीक है, और इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स, तो इसको भी अभी थोड़ा सा पानी। ठीक है, कार्डियो ख़त्म करके हम पहुंच गए घर। अभी चिकन मैंने अभी बनाना शुरू किया, वो बन जाएगा 10 मिनट में, एंड अभी उसमें कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे। अब मैं एक बनाऊंगा, एक मेरा स्पेशल डेजर्ट जो इस टाइम पे क्या बताऊँ, थोड़ा अमरुद लगता है, तो उसको बनाएंगे, दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, मतलब कैसे बनाता हूँ मैं। इतना नहीं खाता, कभी थोड़ा बहुत कभी खाता हूँ जब क्रेविंग होता है तो। ठीक है, एक फ्रूट सैलड बनाऊंगा, पहले हम वेजिटेबल्स काट के उसमें डालेंगे फिर बनाएंगे। ये रहा इंग्रेडिएंट्स, ये पोमेग्रेनेट्स, ये कीवी, ये ब्लैक ग्रेप्स एंड थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स एंड ये कर्ड। तो हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा वे प्रोटीन। ठीक है, तो एक हाफ स्कूप वे प्रोटीन वे आइसोलेट, हाफ स्कूप, इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, जल्दी मिक्स हो जाता है। तो ये मिक्स हो गया, इसमें डालेंगे पोमेग्रेनेट, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। ये मेरा चीट मील समझ लो, लास्ट चीट मील।
छोटा सा ड्राई फ्रूट्स, तो इसको रख देंगे हम फ्रीज में। देन चिकन बन जाएगा तब निकालेंगे। तो फ्रीज में ये, बट इसको हम नहीं खा सकते अभी, तो इसको ऐसे रख देंगे फ्रिज में, ठीक है। सो ये था मेरा, ये मेरा वाला डेजर्ट जो मैं, मुझे पता नहीं, बस कुछ दिमाग में आ गया, पिछले वाले प्रिप में मैं बना के खाता था, एंड इस वाले प्रिप में आज मन किया खाने को, थोड़ा सा खा लेंगे एंड फिर जो पीकविक स्टार्ट होगा तो ये सब बंद। देन अभी वेट चिकन बन जाए फिर हम उसको निकालेंगे फ्रिज से। तो चिकन बनने को अभी कुछ देर बाकी है तो उसको बनाते हैं फिर। सो फाइनली डिनर ओवर एंड मेरा, मैंने खा लिया मेरा डेजर्ट जो फ्रूट सैलड बनाया था। तो काफ़ी, मतलब ये शायद इस वाले प्रिप में मैं दूसरी बार खा रहा हूँ, बट जब पिछली बारी प्रिप किया था मैं रोज़ खाता था, बट ये दूसरी बार है, थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ अभी, एंड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी चार दिन के बाद मेरा शुरू होगा पीक्विक, तो उसमें हम क्या करते हैं क्या नहीं सब दिखाऊंगा, मतलब अगर एनर्जी हो तो दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा फिर। एंड ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग जो मैंने दिन के आधे से बनाया, आधे का मतलब 4 बजे से मैंने बनाया पिछले, ये है एक मतलब क्या बताऊँ, एथलीट के लाइफस्टाइल जो सुबह उठ के एम्प्टी स्टोमक कार्डियो, देन फिर एब्स ट्रेनिंग, देन थोड़ा सा पोजिंग, फिर ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद आके घर पे मील बनाना, चिकन खरीद के लाना, उसको बनाना, 4-5 मील या 6 मील में दिन में खाता हूँ, तो पूरा 6 मील में बनाता हूँ, रेस्ट भी करता हूँ बीच में, एंड बहुत कुछ है इसमें, छोटा सा ब्लॉग है, आप देखो एंजॉय करो, जानो कि प्रिप कैसे होता है और डाइट वगैरह जो भी है, एंड ठीक है। सो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, अगले वाले वीडियो शायद शुरू करूँगा पीक्विक जिस दिन स्टार्ट होगा, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सो इस वाले वीडियो अगर पसंद आया आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा तो वेट करना।